फोटोग्राफी में हम क्या उद्देश्य रखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि फोटो क्यों और कहाँ लेनी है। फोटोग्राफी की किसी भी अन्य शैली के विपरीत वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इतना आसान काम नहीं है। एक वन्य जीव फोटोग्राफर को अपने काम में बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता होती है और उसी समय जंगली जानवरों, पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति लगाव भी होना चाहिए। जैसे कि ये कहा जाता है, जो लोग अन्य जानवरों की रक्षा करते हैं और उन्हें बचाते हैं, वे वाकई में मानवता और पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सफारी में और जानते हैं कि वन्य जीव फोटोग्राफर कैसे बने। क्रिएटिव हट चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहां आप पा सकते हैं फोटोग्राफी के बारे में अधिक जानकारी। भारत में कई विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं। दुर्भाग्य से उनमें से कुछ दिन ब दिन विलुप्त हो रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कदम जानवरों की रक्षा का है। सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें वन्य जीव फोटोग्राफरों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए 10 बातों को जानने की जरूरत है। वो है, पहला, फोटोग्राफी के कौशल का विकास करें। सबसे मूल और आवश्यक बात है कि आप अपने कैमरा का मास्टर बने। फोटोग्राफी और कैमरा तकनीकों को कुशलतापूर्वक प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा, व्यावसायिक फोटोग्राफी शिक्षा प्राप्त करें। एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एक शिक्षित फोटोग्राफर बने, जिससे न केवल आपको फोटोग्राफी सीखने और अनुभव करने का मौका मिलेगा, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। तीसरा, उपयुक्त कैमरा, लेंस और सहायक उपकरण चुनें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए उचित गियर महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे अच्छा और आरामदायक कैमरा, लेंस और अन्य उपकरण चुनें। चौथा, एक उत्सुक परिवेशक बनें। सदा अपने आसपास मौजूद विषयों यानी जीव जंतुओं का निरीक्षण करें, ताकि वन्य जीवन पशु पक्षियों के किसी भी क्रियाशील क्षणों को गवाए बिना आप उनकी फोटोग्राफी कर सकें। पांचवा, एडिटिंग करें और अपनी तस्वीरों पर फिर से काम करें। स्वयं अपनी छवियों पर एडिटिंग करना और पुनर्निर्माण करना सीखें, क्योंकि आपकी छवियों में क्या और कैसे दिखाना है, ये आपको ज़्यादा पता होता है। छठवा, धैर्य और तेजी से काम करने के गुणों को बढ़ाएं। काम में धैर्य रखें और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम रहे। इस बात को ध्यान में रखें कि वन्य जीव कभी भी आपके फ्रेम के लिए पोज नहीं करेंगे, इसलिए उनकी वास्तविक दुनिया में धैर्य के साथ उनकी तस्वीरें खींचें। सातवां, अपने वन्य जीव फोटोग्राफी पोर्टफोलियो का निर्माण करें। अपने कुछ बेहतरीन चित्रों के साथ अपने वन्य जीव फोटोग्राफी पोर्टफोलियो को तैयार करें। आपके चित्रों और पोर्टफोलियो को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उचित आपका अपना स्वयं ऑनलाइन वेबसाइट है। आठवां, अपने वन्य जीव फोटोग्राफी काम को मार्केट करें। अपनी फोटोग्राफी को लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके वाइल्ड लाइफ लोकेशन में फोटोग्राफी। इसके अलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग तकनीकों को सीखें और लागू करें। नौवां, यात्रा करने और किसी भी स्थिति को निपटने के लिए तैयार रहें। किसी भी समय यात्रा करने के लिए अपने सभी गियर के साथ तैयार रहें और साथ ही साथ किसी भी स्थितियों और परिवेश के साथ धैर्य से काम करें। दसवां, अवसरों का इंतजार ना करें, बल्कि हर पल को एक अच्छे अवसर के रूप में बनाएं। ये मानना ठीक है कि सर्वश्रेष्ठ फोटोज अभी आना बाकी है, लेकिन हाथ आए किसी भी सुनहरे मौके को न गवाएं। वन्य जीव फोटोग्राफी के लिए सबसे आवश्यक वन्य जीव है, तो उन्हें भी जीने दें, उन्हें संरक्षण दिया जाए, क्योंकि पृथ्वी सभी जीवित प्राणियों के लिए बनी थी, ना कि सिर्फ इंसानों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपके पास वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में कोई भी प्रश्न है तो बताएं हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचनाएँ मिलती रहें। फोटोग्राफी कोर्सेस और विभिन्न स्पेशलाइजेशंस के बारे में आप अधिक जान सकते हैं हमारे वेबसाइट www.creativehut.org पर। अधिक फोटोग्राफी आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आप हमारे ब्लॉग
www.creativehearts.com पर। दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगली बार फिर मिलने तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। अलविदा।